दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या को शानदार खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अब होगा असली घमासान। टीम इंडिया को कुचलने के लिए वेस्ट इंडीज की प्लेइंग 11 का हो चुका है ऐलान। हुई है दिग्गज सितारों की वापसी। रसल मसल से लेकर सुनील नारायण जैसे खूंखार खिलाड़ियों को एक बार फिर मिला है मौका। छूट सकते हैं भारत के पसीने, तो आखिर क्या है टीम इंडिया के खिलाफ वेस्ट इंडीज की पूरी स्क्वाड? किन दिग्गजों की हुई है वेस्ट इंडीज में वापसी? सब कुछ हम आपको अपने इस वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या और रसल में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, क्रिकेट के महाकुंभ वनडे विश्व कप का ऐलान हो चुका है, जिसके साथ ही दुनिया भर की टीमें अब इस टूर्नामेंट की बादशाह बनने के लिए जद्दोजहद शुरू कर चुकी है। जहां एशिया कप का शेड्यूल भी अनाउंस हो चुका है, तो वहीं उससे पहले टीम इंडिया को कड़ी चुनौती मिलने वाली है। T20 के बेताज बादशाह वेस्ट इंडीज की टीम से जिनका फिलहाल कुछ समय खास नहीं चल रहा है। वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने के लिए उन्हें भी क्वालिफायर्स खेलना पड़ा, जिन्हें करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा, और अब उनके वर्ल्ड कप से भी बाहर होने की संभावना शुरू हो चुकी है। जी हां दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ भारत वेस्ट इंडीज की धरती पर इतिहास रचने की तैयारी में है। टीम इंडिया को 12 जुलाई से वेस्ट इंडीज दौरे पर जाना है, जहां केवल T20 ही नहीं बल्कि 2 टेस्ट मैचों के साथ साथ 3 वनडे मैचों की जबरदस्त घमासान भी होनी है, जिसमें रोमांच की सारी हदें पार हो जाएंगे। इस सीरीज पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी होंगी, क्योंकि जहां भारत विश्व कप का मेजबान देश है, तो वहीं वेस्ट इंडीज विश्व चैंपियन है, और ऐसे में उन्हें कम आंकना भारत की बड़ी गलती साबित हो सकती है। ये बात BCCI भी जानती है, और ऐसे में उन्होंने वनडे के साथ साथ टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय खिलाड़ियों का ऐलान कर दिया है, जहां कई दिल दहला देने वाले फैसले लिए गए, तो कई युवा सितारों को विश्व क्रिकेट में अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलने वाला है। जी हां दोस्तों, दूसरी तरफ वेस्ट इंडीज ने भी विश्व कप की तैयारियों के मद्देनजर भारत के खिलाफ T20 सीरीज के लिए स्क्वाड का अनाउंसमेंट कर दिया है। हालांकि T20 सीरीज सबसे अंत में होने वाली है, लेकिन T20 में वेस्ट इंडीज वर्तमान में दुनिया की सबसे खूंखार टीम है, जिसका हर एक खिलाड़ी अपने आप में मैच विनर है, तो वहीं वेस्ट इंडीज के खिलाड़ियों का पूरी दुनिया में डंका बोलता है। और ऐसे में कैरिबियाई धरती पर होने वाले 5 T20 मुकाबले इतिहास के सबसे खतरनाक T20 मैचेस माने जा रहे हैं। वहीं भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ा झटका तो ये है कि वेस्ट इंडीज ने इस सीरीज के लिए क्रिकेट के महारथियों को अपने स्क्वाड में मौका दिया है, जो भारत को पल भर में कुचलने का दम रखते हैं। जी हां दोस्तों, बात करते हैं वेस्ट इंडीज की पूरी टीम की, तो टीम इंडिया के खिलाफ उनका परचम लहराने की कमान कप्तान निकोलस पुरन के कंधों पर सौंपी गई है। तो वहीं टीम के उपकप्तान के रूप में वापसी हो चुकी है दुनिया के सबसे खूंखार T20 बल्लेबाज आंद्रे रसेल की। उनके साथ ही वेस्ट इंडीज का बल्लेबाजी क्रम एक बार फिर दमदार खिलाड़ियों से भरा हुआ है, जहां ब्रेंडन किंग से लेकर शिमरॉन हेटमायर, जॉनसन चार्ल्स, काइल मेयर्स और शाई होप बल्लेबाजी में वेस्ट इंडीज की बैकबोन है। तो वहीं ऑलराउंड डिपार्टमेंट की सूची में बहुत लंबी है, जहां आंद्रे रसेल ऑलराउंड डिपार्टमेंट को लीड करते हुए नजर आने वाले हैं, तो वहीं घातक ऑलराउंडर और वेस्ट इंडीज के सबसे सीनियर खिलाड़ी जेसन होल्डर के कंधों पर अपनी टीम को जीत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं उनके अलावा 2 और हरफन मौला खिलाड़ियों के विकल्प के रूप में कीमो पॉल और ऑस्टिन चेस को मौका दिया गया है। उनके अलावा वेस्ट इंडीज के सबसे बड़े मैच विनर सुनील नारायण की भी लंबे समय बाद टीम में वापसी हुई है, जो की स्पिन डिपार्टमेंट को लीड करते नजर आएंगे, जिनका साथ निभाते हुए हमें अकील हुसैन नजर आने वाले हैं। केवल इतना ही नहीं दोस्तों, वेस्ट इंडीज का घातक तेज गेंदबाजी क्रम भी बेहद खतरनाक नजर आ रहा है। अल्जारी जोसेफ के कंधों पर तेज गेंदबाजी आक्रमण की कमान सौंपी गई है, तो वहीं रोमारियो शेफर्ड उनके दूसरे खतरनाक तेज गेंदबाज हैं। वहीं कीमो पॉल से लेकर जेसन होल्डर और आंद्रे रसेल सभी तेज गेंदबाजी विकल्प के रूप में पूरी दुनिया में दबदबा बना चुके हैं। जी हां दोस्तों, वेस्ट इंडीज की टीम भी काफी घातक नजर आ रही है, जिसमें विध्वंसक बल्लेबाजी से लेकर खूंखार गेंदबाजों की भरमार है। हर एक खिलाड़ी अपने आप में मैच विनर है, जो चुटकियों में मुकाबला पलटने का दम रखता है, और ऐसे में भारतीय टीम के लिए ये दौरा किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगी। वैसे इस पर आपकी क्या राय है? वेस्ट इंडीज के खिलाफ होने वाली 5 T20 मैचों की सीरीज में किसे भारत का कप्तान बनाना चाहिए, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव या फिर हार्दिक पांड्या? अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए।